हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुदस्सिर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक इंतहाई अहम मसले की जानिब बताने जा रहा हूँ, जिस जो आपको अमूमन कभी ना कभी फेस करना पड़ा होगा। तो ये मसला क्या है? मसला है आपका, मतलब आप व्हाट्सएप पर कोई चीज़ फॉरवर्ड करते हो और काफ़ी देर तक वो फॉरवर्ड सेक्शन घूमता रहता है, वो सर्च करता रहता है, लेकिन आपको आपकी चीज़ फॉरवर्ड नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह फॉरवर्ड सेक्शन को इनेबल अच्छे से कर सकते हो और उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलें दोस्तों, पहले मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है, कि किस तरह ये प्रॉब्लम वर्किंग कर रही है एंड किस तरह आप इससे निजात हासिल कर सकते हो। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिल रही है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें। तो चलिए दोस्तों, हमने चलना है अपनी व्हाट्सएप में। तो यहाँ से मैं बिज़नेस व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। तो आजकल ये प्रॉब्लम इधर भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो देखते हैं क्या हिसाब बनता है। तो यहाँ से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें ये मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, या इसकी जगह मैं कुछ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वेरीफाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं शेयर वाले ऑप्शन से जाता हूँ, यानी फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ से कितनी देर तक घूमता रहेगा। अभी मैं वीडियो तो लंबी नहीं कर सकता, बट मैं आपको बताता चलूँ कि यह प्रॉब्लम काफ़ी फेस होता है। अभी आप देख सकते हो कि इसने बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाया। ये तो मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को हल किया है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास कभी ना कभी ज़रूर इस प्रॉब्लम ने आपको लगा होगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा डाटा बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। अभी मैं डाटा ऑन करता हूँ एंड अगेन से मैं ट्राई करता हूँ, व्हाट्सएप से कट कर लेता हूँ यहाँ से। एक दफ़ा मैं व्हाट्सएप से आउट होके, ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ अगेन से बिजनेस व्हाट्सएप में एंड अब मेरा जो है डाटा ऑन है। अभी आप देखिएगा इंटरेस्टिंगली, अभी ये वर्क अच्छे से नहीं करेगा। तो फर्ज़ करें मैंने ये सेलेक्ट कर लिया शेयर वाले ऑप्शन पर, सो गाइस यू कैन सी कि काफ़ी देर लगा दी है इसने। तो यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो लंबी हो जानी है, अदरवाइज़ मैं आपको समझा देता कि किस तरह। तो अभी आपने देखा कि डाटा ऑन होने की वजह से काफ़ी देर लगी है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह इसको कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से हल कर सकते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू टर्न ऑफ योर डाटा कनेक्शन, आपने अपना डाटा ऑन ऑफ करना है एंड एयरप्लेन मोड पर अपने लगा देना है कुछ दिन देर के लिए, ठीक है। अब मैंने एयरप्लेन मोड पर लगा दी, ऊपर आप देख सकते हो एयरप्लेन मोड पर लग चुका है मेरा मोबाइल। मैं वापस आया, एक दफ़ा मैंने इसको क्लियर किया एंड देन अगेन मैं व्हाट्सएप बिज़नेस में चला गया। व्हाट्सएप बिज़नेस में गया मैंने यहाँ से अगेन से, आप देख सकते हो ऊपर से अभी वही ऑफ है, ठीक है। यहाँ से मैं गया, अब मैंने शेयर वाले ऑप्शन पर गया, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ये इसको कुछ देर ही लगेगी, लेकिन इतना ही ज़्यादा, मतलब टाइम जिस तरह वो डाटा ऑन हो तो उस तरह टाइम नहीं लगेगा। देख सकते हो आप यहाँ से इसने कुछ, मतलब इतनी देर लगाई नहीं और काफ़ी जल्दी से इसने इसको कर लिया, ठीक है। आपने जो भी करना है उसको शेयर करें, उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, जहाँ भी आपने शेयर करना है। अब आप कह रहे होगे कि डाटा है नहीं तो वे शेयर कैसे होगा, तो ये भी हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई एक ऑप्शन, यहाँ फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने ख़ुद कोई सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो अभी ये सेंडिंग में है, मतलब सेंड नहीं हो रहा, डाटा ऑफ है। बट मैं जैसे ही डाटा ऑन करता हूँ, अभी मैं एयरप्लेन मोड को ऑफ करता हूँ एंड डाटा ऑन करता हूँ, यहाँ से मैंने डाटा को ऑन किया, तो अभी आप डाउन कॉर्नर में देख सकते हो कि यहाँ से ये सेंड हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, मैंने कोशिश की कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकूं। आपको ज़रूर ये मसला कभी ना कभी फेस हुआ होगा। अभी बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह में, तो उसकी वजह यह है कि आपको इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो यह है कि आपके पास जो है कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा आप ग्रुप्स बहुत ज़्यादा आपके पास होते हैं, तो आप इन वजह से ये लोडिंग लेता रहता है काफ़ी देर तक। तीसरा, आपका मोबाइल स्लो होता है, जिसकी वजह से स्लो मोबाइल की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको काफ़ी सॉर्ट आउट करने की मैंने कोशिश की। तो रात को मुझे ये स्टेप पता चला, मैंने कहा इस पर वीडियोज़ बना लेनी चाहिए यार ज़रूर से, तो वीडियो बना दिया मैंने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिए करें ताकि फ्यूचर में मेरी ऐसी वीडियोज़ आपको आसानी से देखने को मिल जाएँ टेक्निकल मुदस्सिर की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।